गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और 7:30 बज रहा है, मेरा बाबू स्कूल जा चुका है और आज आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपने घर के बाहर का मौसम दिखाती हूँ। चलिए छत पर लेकर चलती हूँ फटाफट से और दिखाती हूँ। इतना विकट का अंधेरा हो रखा है कि ऐसे लग रहा है कि पानी अगर कहीं गिर गया तो फिर तो ये सब आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये समझ लो, ये देखो, ये देखो, ये है 7:30 बजे का मौसम, है ना? देखो काले काले बादल, हवाएं बहुत अच्छी चल रही। और ये यहाँ पर मैंने की थी पूजा, तो सो जी विसर्जन कर देते हैं। अब जाओ बाबा विसर्जन है, कल फिर नानी मंत्रण है। जय बाबा। चलिए अब दौड़ दौड़ के काम करते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में भीगने का बड़ा मजा है। मेरा तो मन हो रहा है कि मैं खूब 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 भीगू, लेकिन टाइम ही नहीं है। चलिए चलते। आज मैं 5 बजे सोकर उठी थी तो आज मैं लेट हो गई। जब अपने टाइम पर नहीं उठ पाती हूँ ना तो लेट हो जाती हूँ, फिर दौड़ दौड़ के मेरा काम होता है। और आज मैंने बाबू के लिए क्या बनाया पता है? अभी देखिए, और आज मैंने बनाया है ये हलवा। बंदा हलवा खाता नहीं है, लेकिन आज मैंने उसको दे दिया है। तो वो खाते तो हैं नहीं, लेकिन उनको मैंने आज दे दिया है कि बाबू आज लेट हो गया है, किसी तरह से भी बहला फुसला कर आज उनको मैंने दे ही दिया है। वो इसलिए वो भी समझते हैं ना, नहीं तो उनको नमकीन हलवा जैसे जिसको उपमा बोलते हैं ना, अगर वो आप दे दो तो वो खा लेंगे, इस तरह की चीज़ें खा लेंगे, है ना? नमकीन चिल्ला बना दो वो खा लेंगे। लेकिन अगर आप बोलो कि मीठा हलवा खा लें तो मीठा हलवा से परहेज है, यानी मीठा चिल्ला बना दो वो भी परहेज है, मीठा हलवा से सबसे परहेज है। और इसकी बैटरी जा रही है तो इसको मैं अभी लगा रही हूँ चार्जिंग में। आज सुबह बताया ना, मैं लेट सोकर उठी थी तो इस वजह से मोबाइल को चार्जिंग में नहीं लगा पाई। मैं तो सुबह जब उठती हूँ तो तुरंत लगा देती हूँ, मेरा मोबाइल अच्छा खासा चार्ज हो जाता है। तो चलिए लगा देती हूँ, फिर मिलते हैं। और ये है नेक्स्ट डे। तो आजकल मेरे बाबूजी क्या कर रहे हैं कि बर्फ़ की शिवलिंग बनाते हैं, यानी बर्फानी बाबा, और बहुत ज़्यादा मन से ध्यान से ये अपनी पूजा करते हैं। ये पहले क्या करते हैं, पहले तो ये स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल से आते हैं, यानी समथिंग 12:30 बजे के तकरीबन आते हैं। फिर इनका नहाना धोना होगा और उसके बाद खाना पीना खाएंगे और फिर इनका पूजा पाठ चालू हो जाता है। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि अगर जैसे मैं कहूँगी कि बाबू ऐसा है कि मतलब बर्फ़ के शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती, पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो बोलते मम्मी मिट्टी नहीं है। तो ये तो बात सही है, मिट्टी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, केवल वही गमलों में ही मिट्टी है जो भी कुछ है, तो वो इनसे शिवलिंग बनती नहीं है। तो इनको बर्फानी बाबा बनाने में कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है और उनकी पूजा पूरे विधि विधान से ये करते हैं। तो ये देखिए इस समय ये पूजा वगैरह कर रहे हैं, अपना जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जो भी इस बच्चे की समझ में आ रहा है। फिलहाल मैंने इनको एक बार केवल यही बताया है कि पूजा में क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता है, तो एक बार केवल मैंने बता दिया है, तो बाकी सारा काम ये खुद ही अब करने लगे हैं। और वैसे जब ये पूजा वगैरह कर लेते हैं तो ये बर्फानी बाबा जो बन जाते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। मुझे लगता है तभी मुझे ये श्लोक जो है ना, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, मतलब ये बोलने का मेरा दिल फिर करता है। क्योंकि एक तो बर्फ़ और बर्फानी बाबा, क्या बात करने, भोले बाबा तो वैसे भी बहुत सुंदर है। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि भोले बाबा बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर मेरे बाबू की पूजा वगैरह हो रही है और मैं जो हूँ मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो ये अपना आराम से पूजा वगैरह कर रहे हैं। तो गाइस अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी पसंद आए, कुछ भी पसंद आए, मेरे बाबू की पूजा ही अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पता है जितना मैं चंदन और उसे क्या बोलते हैं शहद वगैरह जो भी मेरा पूजा का था सारा सामान इन्होंने अभी इसमें ख़त्म कर रखा। पहले तो इन्हें पता नहीं था तो ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डाल देते थे, लेकिन अब क्या है, अब जब जैसे जैसे ख़त्म हुआ है
तो फिर अपना जब मैंने बताया कि बाबू इसको इतना ज़्यादा ज़्यादा नहीं लिया जाता है, अगर डेली डेली ज़्यादा ज़्यादा करोगे तो फिर कैसे क्या होगा, तो फिर इनको थोड़ा सा समझ में आया। तो फिर ये थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लगे और ये इस जगह इत्र जो है लगा रहे हैं। तो एक एक इत्र तो मैं यहाँ से लेकर आई थी अपने बर्रा दो से, और एक इत्र जो है जब मैं परमट गई थी तब वहाँ से लेकर आई थी। तो हमारे पास ये दो इत्र हैं और ये चढ़ा रहे हैं बाबूजी हमारे भस्म, क्योंकि ये सारा जो सामान मैंने जब बाबू मेरा पशुपति व्रत रहा था तो सारा सामान मेरे पास, मतलब मैंने मंगा लिया था तो सारा सामान रखा हुआ था, उसमें भस्म भी था, चंदन भी था, लाल चंदन भी था, यानी कि ऑल टोटल जितना सामान चढ़ता है तो वो सारा सामान मैंने मंगा लिया था। और इनके लिए मैं दोपहर में फूल वगैरह ज़रूर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब से इनको पता चला है कि बर्फानी बाबा की पूजा होती है, मतलब अगर आपके पास मिट्टी वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से भी बनाकर पूजा कर सकते हो, तब से ये बाबू मेरा पर डे मतलब इस तरह से बर्फानी बाबा बनाते हैं और पूजा करते हैं। और ऐसा नहीं कि मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सुबह सबसे पहले उठेंगे, नहा फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर नहा धोकर ये सबसे पहले मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और फिर वहाँ से आकर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आकर फिर नहा धोकर इनका मतलब खाना पीना खाकर पूजा पाठ वगैरह चालू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर बाबू मेरे कर रहे हैं पूजा, इनसे जो भी जैसे भी बन रहा है बस भोले बाबा सुन ले, जो भी कुछ बच्चे की इच्छा हो या जो भी कुछ हो भगवान जाने, मुझे नहीं पता, बस बाबा अपनी कृपा मेरे बच्चे के ऊपर बनाए रखें। तो आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और यहाँ तक कि तो बाबू मेरे क्या है कि हर सोमवार को व्रत भी रखते हैं, हर सोमवार के नहीं, जैसे कि ये सावन के सोमवार जब से स्टार्ट हुए हैं अब ये समझ लीजिए 8 सोमवार पढ़ रहे हैं, तो ये मतलब पूरे सोमवार ये व्रत भी कर रही है। हर सावन में सावन का जो सोमवार होता है ना उसका व्रत भी करते हैं, शिवरात्रि भी करते हैं, यानी कि इनको जहाँ तक समझ है वहाँ तक अपनी ये व्रत पूजा सब कुछ अपने आप ये करते रहते हैं। तो बच्चा ही तो है, अच्छी बात है, कम से कम किसी लाइन में तो है। मुझे तो ये लगता है कि अपना इस लाइन में है तो ज़्यादा बेटर है, पढ़ाई लिखाई करें। और भाई देखो होता क्या है कि आजकल के समय में बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिमाग बदलने में कोई भी टाइम नहीं लगता है कि कब किसका दिमाग पलट जाए, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों का भी दिमाग पलट जाता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल चलो ठीक है, बच्चा है, किसी अच्छी चीज़ में लगा हुआ है ना, अच्छी चीज़ में लगा हुआ है। तो बस भोले बाबा से मैं तो यही हाथ जोड़कर विनती करूँगी तो कि बस बाबू के ऊपर मेरी कृपा वगैरह बनाए रखें। और पता है ये अपने आप कपूर लेंगे, अपने आप आरती बनाएंगे, अपने आप धूप बत्ती बनाएंगे, सब चीज़ ये बनाते हैं अपने हाथों से ही। मैं इन मतलब इस पूजा में जो ये दोपहर वाली पूजा ये करते हैं इसमें मेरा कोई भी सहयोग नहीं होता, क्योंकि इस वक्त मैं काम क्या करती हूँ, मेरा काम होता रहता है तो फिर मैं काम में लगी रहती हूँ और ये अपना पूजा वगैरह किया करते हैं। आप लोगों ने देखा मैं अभी आई थी ना तो कुछ काम कर रही थी। दरअसल ये हुआ क्या है कि आज जो है ना स्कूल नहीं गए हुए हैं, छुट्टी थी स्कूल में, हाँ आज छुट्टी थी स्कूल में, तो इसलिए इन्होंने 10:30 बजे के तकरीबन इनकी पूजा ये स्टार्ट हुई है। तो मैं अपना काम कर रही हूँ और ये अपना पूजा कर रहे हैं। हाँ दोपहर वगैरह में करते हैं तब भले ही थोड़ा बहुत शामिल हो जाती हूँ, नहीं तो फिर जब मॉर्निंग की पूजा ये करते हैं ना तो फिर मैं शामिल नहीं हो पाती, और दोपहर में भी बहुत कम हो पाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद होता क्या है मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि काम करके इतना थक जाती हूँ कि खाना खाने के बाद जैसे ही लेटती हूँ तो तुरंत मुझे हल्की सी नींद आ जाती है। हल्की सी क्या मतलब 10 मिनट की हो 15 मिनट की हो, तो इस तरह से मुझे जो है नींद आ जाती है। तो फिर ये अपना अकेले जो है पूजा वगैरह किया करते हैं। और यहाँ देखिए बर्फानी बाबा को फूलों से सजा दिया है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बाबा, तो पूरा बहुत अच्छे से इनको सजा दिया है। दरअसल इनको भी पता ना चलता, तो एक बार ये क्या कर रहे थे कि ऐसे ही YouTube देख रहे थे तो उसमें इनको शॉर्ट वीडियो में कहीं से ये बर्फानी बाबा इनको दिख गए, तो मुझसे बोला मम्मी
ये कैसे बने हुए हैं मुझे बताओ। तो फिर मैंने सर्च किया, क्योंकि मुझे देखिए मुझे भी कुछ भी नहीं आता जाता, जितनी जानकारी मुझे हुई है सब यही सोशल मीडिया से ही हुई है। और फिर जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इस तरह से ये बर्फानी बाबा बनाए जाते हैं। तो तब से फिर मैंने इनको बताया तो फिर ये बनाने लगे। पहली बार जब मैंने बनाया था तब मुझसे बन बिल्कुल भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, उनको स्टैंड नहीं कर पा रही थी, वो बर्फ़ थी, हवा लग रही थी तो वो बार बार टिघल सी रही थी, तो मैं नहीं बना पा रही थी। तो फिलहाल पहले दिन जैसे तैसे बनाया, पूजा किया, फिर उसके बाद धीरे 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 करके इनको बहुत 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 ही अच्छी तरह से बनाना आ गया। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा होगा तो शॉर्ट वीडियो में देखिएगा कि कितने सुंदर हमारे बाबा लग रहे हैं, बहुत सुंदर हमारे बाबा लग रहे हैं। और बाबू ने उनका श्रृंगार कर दिया तब तो वो पूरा एकदम और ज़्यादा सुंदर हो गए हैं। तो यहाँ पर तो बाबू की हमारी पूरी पूजा हो गई है। अब रही धूपबत्ती और आरती, तो अब धूपबत्ती लगाएंगे और इसके बाद फिर ये आरती करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि पाटा जो रखा हुआ है इसके ऊपर कपड़ा नहीं बिछा है, तो मैं बताऊं कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा है तो उसमें ये देखा है कि पाटे के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है। लेकिन आप लोगों से सच बताऊं फ्रेंड्स कि मेरे पास सफ़ेद कपड़ा नहीं था, तो अगर होता तो मैं ज़रूर इस पर बिछवा देती, लेकिन मेरे पास सफ़ेद कपड़ा नहीं था। तो ऐसे ही ये साधारण सी अपना ऐसे ही पाटा लेकर आए हैं और बस उसी के ऊपर पूजा कर ले रहे हैं। तो कहते नहीं है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, है ना, जैसा आपके मन का भाव होगा तो बस वैसे ही भगवान आपको मतलब आपकी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें क्या हम दे सकते, उन्हें तो हम कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ तो उनका है, हर चीज़ ही उनका है, तो उनको हम कुछ नहीं दे सकते हैं। तो बस जो बच्चे से बन पड़ रहा है सो अपना कर ले रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर बाबू ने मेरे स्टार्ट कर दिया है आरती। आप लोगों से बात करते करते यहाँ पर आरती भी होने लगी, तो आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। तो यहाँ पर आरती वगैरह इनकी हो जाएगी और फिर इसके बाद ये आरती वगैरह यहीं रखी रहेगी। जब ये बर्फानी बाबा एकदम मतलब जो बर्फ़ के शिवलिंग बने हुए हैं, जब ये एकदम पानी जैसे हो जाएंगे तब फिर इनको ले जाकर ऊपर गमले वगैरह में डाल देंगे, क्योंकि इनका जो विसर्जन करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, इनके में कुछ भी दिक्कत नहीं हो होती है, क्योंकि ये 2-3 घंटे में पानी जैसे पूरा हो जाएंगे। तो ये फिर बाबू ले जाकर इनको मतलब ऊपर गमले वगैरह में डाल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ नहीं तो बर्फानी बाबा के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना कीजिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। करुणा करो, कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। तो गाइज, हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु, जय भोलेनाथ की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए अब चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हर हर महादेव।